नमस्कार, स्वागत है आपका सिर्फ सच पर। और चीन भारत के विवाद पर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही वरिष्ठ पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, जो गोरखा राइफल्स में रह चुके थे, फिर सिख रेजिमेंट में, और जिन्होंने ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मतलब जहां जहां चाइनीज के साथ हमारी एंगेजमेंट या फेस ऑफ होती है उन एरियाज में वह स्वयं सर्व कर चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये गलवान वैली पे जो विवाद छिड़ रहा है, हमारी तरफ से 20 लोग हताहत हुए हैं, मारे गए, शहीद हुए हैं, चीन की साइड भी शायद कैजुअलिटीज हुई हैं, इस एरिया की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है जिसकी वजह से दोनों तरफ से इतना एक मोर्चा डट गया है? देखिए, इस जगह की गलवान वैली की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आज से नहीं बल्कि 1962 से है। 1962 में भी यहाँ पे चाइना ने हमला किया था और वहाँ पे हमारी भी कुछ कैजुअलिटीज हुई थी उस समय, और चाइना की भी हमसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। इस इलाके की इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये इलाका लीड्स इंटू काराकोरम पास। काराकोरम पास के नॉर्थ से आपको मालूम है कि हाईवे निकलती है चाइना की, जो कि नियरली 4000 किलोमीटर लॉन्ग आपको पता है, पाकिस्तान से निकलती है, एक्साई चिन से होती हुई और काराकोरम को पार करके चाइना की, तिब्बत की तरफ जाती है। ये सड़क बड़ा माने रखती है वन रोड वन बेल्ट के लिए। ये सड़क बड़ी माने रखती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। और जब से हमने ये कहना शुरू किया है भारत ने कि एक्साई चिन हमारा है और इसको हम लेंगे, अब लेंगे कि नहीं लेंगे, कब लेंगे, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इससे चाइना को ये लग रहा था कि शायद ये भी इंडिया के एजेंडे में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हो सकता है। तो वो ये चाहता है कि इस इलाके को मैं थोड़ी सी डेप्थ दे दूं जिससे इंडियन फोर्सेस उसको सड़क को इंटरडिक्ट ना कर पाए। तो अब हमारी जो सोच रही है दिनों में कि हमें चाइना से मैन टू मैन, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट तो मुकाबला करना नंबर्स में तो मुश्किल है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द पॉइंट ऑफ वेयर द एंगेजमेंट विल टेक प्लेस, वी शुड बी केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इक्वल नंबर ऑफ फोर्सेस। माउंटेन्स में आप अनलिमिटेड डिप्लॉयबिलिटी तो होती नहीं है, डिप्लॉयबिलिटी लिमिटेड होती है। आप ये तो नहीं कि 1,00,000 इन्फेंट्री खड़ी कर देंगे वहाँ, आपके पास चाहे 15,00,000 हो, लेकिन आप खड़ी तो उतनी कर सकेंगे ना जितनी जगह ले सकती है। तो जितनी वो इन्फेंट्री इस माउंटेनस टेरेन में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ला सकते हैं, और जितनी आर्टिलरी और जितने टैंक्स और जितने और लड़ाई का सामान, उतना हम भी ले जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वहाँ उस इलाके में जल्दी कौन पहुंच पाएगा। अगर चाइना ने सारे कम्युनिकेशन जो अपने डेवलप कर लिए हैं, लैटरल्स डेवलप कर लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, उस हाईवे के ऊपर इनके लॉजिस्टिक्स डंप्स बन गए हैं, उस हाईवे पे इनके एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बन गए, हेलीपैड्स बन गए, तो उससे वो अपनी मच शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस एरिया में अपनी फोर्सेस को ला सकता है। अगर जो सड़क बन रही है डरबुक श्योक और डीबीओ की, इसमें हम भी उतनी तेजी से ला पाएंगे और उतनी फौज ला पाएंगे, तो फिर तो चाइना की सुपेरियोरिटी नहीं रहेगी। दूसरी सड़क की इम्पोर्टेंस, एरिया की इम्पोर्टेंस ये है कि दिस इज ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक, ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर एक चाइना के लिए माने रखता है, उससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए माने रखता है। आपको याद होगा कारगिल के युद्ध में पूरा जो ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट मुशर्रफ का, कि हम सड़क काट दें जिससे कि सियाचिन को हम आसानी से ले सके, उसकी रिफिनिशमेंट ना सके। तो सियाचिन ग्लेशियर इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ दिस गलवान वैली। अगर यहाँ पे चाइना आ सकता है, जो उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो उसकी प्लानिंग चल रही है निबल निबल करके, तो वो सियाचिन को भी आइसोलेट कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर देयर ओन बेनिफिट एज वेल, एंड मेक इट इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू गो इनटू एनी वेंचर, एनी मिलिट्री एडवेंचर नाउ और लेटर इनटू द अक्साई चिन। तो ये इसकी बड़ी मैक्रो पिक्चर है एज फार एज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज सीरियस कंसर्न। लेकिन हम लोगों ने डीबीओ में अपनी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना लिया, आपने 2-3 साल पहले देखा C-130 वहां लैंड कर चुका है। हमने यहाँ पिंजोंगसोंग के पास चिशूल में, दरबुक में, सब जगह हेलीपैड्स बना लिए। चिशूल का जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था वो बंद कर दिया गया था 62 वॉर के बाद, उसको दोबारा हम लोगों ने कमर्शियल कर दिया है। फुकचे में हमारी एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड थी उसी इलाके में, उसको हमने कमर्शियल कर दिया। तो ओवरऑल सिचुएशन जो इमर्ज हो रही है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख एंड गलवान वैली एंड डीबीओ हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड।
in the last 5, 6, 7, 8 years. From which Indian is side. Obviously, yeah. And we had neglected this. And interestingly, if I may say, कि जब हम सर्विस में थे आज से 18 साल पहले और मैं काफी सीनियर रैंक्स में था उस समय एंड आई हैड द सर्विस अथॉरिटी और नॉट अथॉरिटी मुझे ये मतलब मेरे टास्क था कि मैं एडवाइस करूं तो हमने उस वक्त कई दफा कहा लिखकर कहा नॉर्दर्न कमांड से लिखकर कहा कि जी ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए आप जो हम प्रपोजल्स भेज रहे हैं उनको आप मंजूर कीजिए उनके लिए आप फाइनेंशियल सैंक्शन कीजिए एंड प्लीज कंस्ट्रक्ट दीज बॉर्डर रोड शुड कंस्ट्रक्ट दिस तो बॉर्डर रोड्स हालांकि मिलिट्री के अंडर आती है एक तरह से लेकिन जब तक बजट एलोकेशन नहीं होगा जब तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं होगा उन चीजों का तो वो नहीं हो पाएंगी तो हम 2000 आई वाज एमजीजीएस नॉर्दर्न कमांड जनरल स्टाफ ऑफ नॉर्दर्न कमांड फ्रॉम 94 to 96 उस जमाने में हमने ये लिखकर भेजा और जब मैं रिटायर हुआ 2002 में तब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ खैर हम सर्विस में थे कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाते थे जब रिटायर हो गए 2006 या 2007-08 एक तरीके तो हमने पूछा इसी टेलीविजन के डिबेट वगैरह के जरिए कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाने देते आप तो उसका जवाब हमें मिला अब वो जवाब जैसे कि ये तो मैं कह सकता किसका जवाब था वो पर जवाब मिला कि जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना देंगे तो चाइना उसको इस्तेमाल कर लेगा चाइना जल्दी स्पीड से इंडिया के अंदर घुसाएगा तो सड़कें मत बनाइए इंफ्रास्ट्रक्चर मत डेवलप कीजिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड मत बनाइए क्योंकि चाइना आ जाएगा वहां अरे भाई इतनी डिफेंसिव क्यों पॉलिसी बना रखी है हमने आप इतना क्यों घबराते हो चाइना से कि जी चाइना आ जाएगा और जो हमने बनाया उसको चाइना इस्तेमाल कर लेगा खैर बहरहाल ये सोच बाद में बदली हुई और पिछले 5, 6, 7, 8 साल से जितना भी आप अरसा समझें ये अब डेवलपमेंट शुरू हुई ये डेवलपमेंट केवल यही नहीं लद्दाख में नहीं ये डेवलपमेंट शुरू हो गई सेंट्रल सेक्टर में भी उत्तरांचल में भी हिमाचल में भी ये डेवलप शुरू हो गई नेपाल बॉर्डर पे भी जो आप जिसका वाद विवाद आजकल आप सुन रहे हैं जो लोग के पास जो सड़क बनी है और आपने इसको अरुणाचल में भी देख लिया हालांकि ये डेवलपमेंट अभी चाइनीज के मुकाबले में 20% भी नहीं है 30% भी नहीं है बहुत इसमें गुंजाइश है लेकिन उसी से नर्वस हो रहे हैं उसी से उनका अग्रेशन बढ़ रहा है जी कि अगर हमने इनको अभी स्टॉप नहीं किया तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे और फिर हमारी जो सुपीरियोरिटी इनके ऊपर है वो बिल्कुल रद्द हो जाएगी तो ये तो इसकी अगर आपकी बात को मैं समराइज करूं तो एक तो इस जगह की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली सियाचिन ग्लेशियर है जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है एंड काराकोरम पास अस्काई चिन तो कुल मिलाके कि इंडिया का एलएसी पे या बॉर्डर के नजदीक एक्सेस बहुत इजी नहीं हो जाए जिससे कि वो डिप्लॉयमेंट क्विक नहीं कर सके भारत तो वो सप्लाई लाइन्स को एक तरह से एक डेवलपमेंट के स्टेज में ही रहे भारत कभी सशक्त नहीं हो पाए उसका झगड़ा है ये कुल मिलाके राइट सर अब ये बताइए कि जी बहुत शुक्रिया सर आपकी बात से निचोड़ निकाल रहा हूँ मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि अब जो हुआ है गलवान वैली में ये जो फेस ऑफ हुआ है जिसमें हमारे इतने जवान 20 शहीद हुए कर्नल रैंक का अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर मारा गया तो यहाँ से अब मेजर जनरल लेवल पे फिर टॉक्स हुई है बुधवार को जो देर रात तक चली कह रहे हैं इनकंक्लूसिव रही आज थर्सडे को फिर उनके होने की बात है तो अब यहां से आगे कैसे बढ़े क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि चीन ने जो जितनी भी घुसपैठ की है उससे वापस पीछे हट जाएगा वो भी एक किस्म का फूल्स पैराडाइज में रहने जैसी बात है क्योंकि उसने कई सेक्टर्स एक्टिवेट कर दिए हैं तो हाउ डू वी प्रोसीड फ्रॉम हियर व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी प्रधानमंत्री ने कल कहा एक छोटा सा बयान दिया प्रधानमंत्री ने हालांकि ही वाज एड्रेसिंग द चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग कि ये शहादत वेस्ट नहीं जाएगी और चाइना को वहां से हटना पड़ेगा सेना को उन्होंने खुला हाथ दे दिया कि जो सेना चाहे वो कर सकती है अब इसके दो माने निकलते हैं उन्होंने खैर बड़ी अच्छी हिंदी में कहा बड़े अच्छे रहते थे हम तो उतनी अच्छे से नहीं कह सकते लेकिन इसका जो हम मतलब निकालते हैं ये है कि उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि चाइना विल हैव टू गो बैक फ्रॉम हियर कहाँ जाएंगे जहाँ की वो 45 दिन पहले थे और केवल वही ट्रुप्स नहीं जाएंगे जो कि इन कॉन्टेक्ट है एट द टैक्टिकल लेवल बट जो डेप्थ में है जैसे डेप्थ में उनकी एडिशनल फोर्सेज आ रखी हैं जो उनके टैंक्स आ रखे हैं आर्टिलरी आ रखी है और इक्विपमेंट आ रखा है उसको भी वही जाना पड़ेगा जो आज से 45 दिन पहले थी तो ये प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट का मैं समझता हूँ इंटरप्रिटेशन कही है इसको और आर्मी हैज गॉट फुल लिबर्टी नाउ टू यूज वट एवर टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी और वेपन्स दे विश टू यूज सो दिस इज द सिचुएशन टुडे अंडर दीज सर्कमस्टांसेस
इन 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 हालात के बीच में अब ये जो कार्यक्रम है किस तरह से उभर रहा है? आपने सब अभी कहा कि वेडनेसडे को मीटिंग मेरे जर्नल्स की वो कामयाब नहीं हो पाई, आज भी शायद होगी, अब वो कामयाब होगी कि नहीं होगी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से प्रिडिक्ट। तो ये मीटिंग्स तो चलती रहेंगी, हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं इसको एक और एकेडमिक तरीके से लूंगा इन अ मोर मिलिट्री फॉर्मेट, क्योंकि हम आर्मी में तो है नहीं, इन साइड स्टोरी तो मालूम नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इसका एक स्वॉट एनालिसिस किया जाए, इसका एक स्वॉट एनालिसिस किया जाए, और स्वॉट एनालिसिस में हम ये देखें कि क्या क्या ऑप्शन हैं चाइना के पास, क्या ऑप्शन हैं इंडिया के पास। पहली ऑप्शन ये स्वॉट एनालिसिस के जरिए, फर्स्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया इज चाइना गोज बैक विदाउट गोइंग फॉर एनी फर्दर कॉम्बैट, बिना लड़ाई किए चाइना पीछे हट जाए 2-4, 6 दिन, 8-10 दिन में, और इंडिया के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि बिना लड़ाई किए वो चले जाए। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू टू कंट्रीज। अब इसके बाद सेकेंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड बेस्ट ऑप्शन ये है कि बातचीत चलती रहे, टाइम गुजरता रहे, चाइना अपने आप को और थोड़ा मजबूत बनाता रहे, हम भी अपने आप को, क्योंकि टॉक्स चलती रहेंगी, दोनों तरफ तैयारियां चलती रहेंगी, तैयारी तो बंद नहीं होगी, तो दोनों तरफ स्ट्रॉन्गर हो रही हैं डिप्लॉयमेंट में, कैपेबिलिटीज में, और उस तरफ से ये क्या कहते हैं कि विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, और इस तरह से टाइम गुजरता चला जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज अ सब ऑप्शन ऑफ ऑप्शन वन, दैट मीन्स टू से दे नाइदर गो बैक नॉर स्टे, बात चलती रहे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि चाइना डिसाइड्स टू विड्रॉ, बट बिफोर विड्रॉल दे स्टार्ट चाइना डजंट विड्रॉ, दे गिव यू एन आइडिया, उनको वो आपको ऐसी पिक्चर पेंट करें कि हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा युद्ध कर लें, शो सम टीथ, तो उसका मतलब यह है कि इंडिया और चाइना की मुठभेड़ हो जाएगी। मुठभेड़ कहाँ होगी? शायद गलवान में हो, शायद पेंगोंगसो में हो, या शायद कहीं और हो, वो तो अपनी जो फोर्सेस हैं वो देखकर बताएंगी कि टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली हम कहाँ विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। पूरा इतना 3,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें क्या होगा? उसमें चाइना की कैजुअलिटीज होंगी, उसमें हमारी कैजुअलिटीज होंगी, हमारा नुकसान होगा। चलिए मैं मानता हूं कि हमारा बहुत नुकसान होगा, हमारे एक्स नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स शहीद हो जाएंगे, लेकिन उनके भी तो उतने शहीद होंगे ना, उनका भी तकरीबन उतना ही नुकसान होगा। वो आर्टिलरी फायर करेंगे, हम आर्टिलरी फायर करेंगे, वो मिसाइल फायर करेंगे, हम मिसाइल फायर करेंगे, वो अटैक करेंगे, हम अटैक करेंगे। सो जितनी भी एलिमेंट्स है कॉम्बैट की, उनमें कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। उससे क्या होगा? जो चाइना का आज ऑब्जेक्टिव जो वर्ल्ड में वो प्रोजेक्ट करता है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू बी द वर्ल्ड लीडर, वो जो भ्रम है उसका, वो वल्नरेबल होते हैं, वो भ्रम टूटता है, वो भ्रम टूट जाएगा। तो जो उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो कि चाइना थिंक्स 30 years अहेड, वो खत्म हो जाएगा कि जनाब आप तो इंडिया से पिट लिए, माना आपने 5,000 आदमी इंडिया के मार दिए, लेकिन उसने भी तो 7.5 आपके मार दिए, आपने उनकी 25 गन बर्बाद कर दी, तो उसने भी तो आपकी 12 गन बर्बाद कर दी। हाँ, पिटना जीतना क्या, चीन तो ड्रॉ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर तो ये क्या चाइना की गुड ऑप्शन है? अब इसी चीज को थोड़ा सा और ले जाइए आगे, एक इसमें थोड़ी सी इंटरनेशनल बात भी आनी जरूरी है कि इसका इफेक्ट वर्ल्ड पावर वर्ल्ड वर्ल्ड जियो स्ट्रेटेजिक क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि देखिए चाइना कितना बारबेरिक नेशन है, जो आजकल के जमाने पीपल आर लुकिंग एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर पीपल, वर्ल्ड इज बिकम श्रिंकिंग, इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कितनी हजार बातें ऐसी हो रही है ना, दुनिया आज चल रही है एज वन ग्लोब, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वर्ल्ड इज यू नो बिकमिंग क्लोजर, और चीन कील लगी हुई रॉड से और पत्थरों से लड़ रहा है। वो बात मैं कहने वाला था, चीन जो अपने आप को कहता है ही इज द मोस्ट मॉडर्न आर्मी, उसके पास आज की संसार के सबसे मॉडर्नाइज इक्विपमेंट है। अरे इक्विपमेंट तुम्हारा मॉडर्नाइज ये क्या डंडे पे कील लगाकर है,
इस पे मैं अलग से बात करूंगा और आपसे, भारत इस होल सिचुएशन को अगर आप शॉर्ट एनालिसिस करें, वेरियस ऑप्शंस जो मैंने जिस तरह से बताई हैं, उससे ये लगेगा कि अगर चाइना जरा सा भी सोचेगा, जो उम्मीद करता हूं कि सोचेगा, उसको इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। या तो वो ये सोच ले, रॉन्ग असेसमेंट कर ले कि भारत नहीं लड़ पाएगा, भारत कमजोर देश है, भारत की लीडरशिप कमजोर है, भारत की मिलिट्री लीडरशिप कमजोर है, भारत के पास इक्विपमेंट नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई 20 साल से, इनके सोल्जर्स कमजोर हैं, इनको ये लड़ाई लड़ने लायक तो है नहीं हमसे। और ये वही सोचते हैं कि चाइना 10 फीट टॉल, हालांकि हमारे 5 फुट नथिंग के अफसर ने सिक्किम में एक 6 फुट चाइना मेजर को गुस्सा मार के गिरा दिया था, अभी आपने सुना ही होगा 20-25 दिन पहले। बहरहाल अगर चाइना का ये परसेप्शन रहेगा कि इंडियन आर्मी इज वेरी वीक एट द मोमेंट, इनका कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ 20-25 साल, चाइना को एक बहुत ध्यान से सोचना है, जिसको हम कहते हैं अप्रिसिएशन करना पड़ेगा कि इंडिया की मिलिट्री पोटेंशियल है क्या आज, इंडिया की इंडियन आर्मी की लीडरशिप क्या है, इंडियन आर्मी की सोल्जर्स की ट्रेनिंग क्या है, और हमारी ट्रेनिंग क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। तो इसमें हमें ये देखिए, अभी उसने एक सुंदू ने कहा है चाइना क्या करता है, सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है। हमें पिछले 10 दिन से क्या कर रहा है, वो चित्र निकाल रहा है, फोटोज निकाल रहा है, वीडियोज निकाल रहा है, जहां पे उसकी गन्स फायर कर रही है, उसके टैंक्स की मूवमेंट दिखा रहा है, उसकी मिसाइल फायरिंग दिखा रहा है। ये सब क्यों दिखा रहा है, दिखाने के लिए कि भैया हमारे पास इतना टैंक है, इतनी गन है, इतने मिसाइल है, तो तुम जरा हमसे लड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन हम भी तो इतने नॉन प्रोफेशनल नहीं रहे ना, जो कि 62 में थे या आज से 30 साल पहले थे। वी आर ऑल्सो बैटल हार्डन आर्मी, हम अभी कारगिल में लड़के चुके हैं, हम तो कंटिन्यूसली इंसर्जेंसी में लड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर। सही बात। तो इट डिपेंड्स ऑन द चाइनीज अप्रिसिएशन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी। अगर वो ये सोचते हैं कि इंडियन पोलिटिकल लीडरशिप इज सीरियस अबाउट पुशिंग अस बैक and the Indian military is capable of at least beginning an action in this, then I think the honorable solution for China is that slowly, quietly, step by step, withdraw. But so far, अभी तक जितनी घटनाएं हुई हैं, ये देखा जा रहा है कि चाइना दो स्टेप अंदर आता है और इन सब बातों के बाद एक या आधा स्टेप पीछे चले जाता है। इस बार ऐसा नहीं हो, ये सुनिश्चित कैसे होगा? ये देखिए, हमारी जो इस समय पोजीशन है, हमने ये कहा है कि 40 दिन पहले जहां आप थे, 40-45 दिन, आपको उसके पीछे जाना है। आज की तारीख में सबके पास सैटेलाइट इमेजरी है, सबके पास एरियल फोटोग्राफी है, सबके पास ड्रोन्स के संग फोटोग्राफी है, तो एक्चुअल पोजीशन में कोई अब हमें फूल नहीं कर सकता कि जी हम, जैसे परसों उन्होंने कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं बिफोर दिस स्कर्मिश टू प्ले, और उसके बाद थोड़ा सा विड्रॉ किया और फिर एक तंबू लगा दिया, आगे आके एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना दिया, तो उसको तो हमें पता लग गया ना कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट बन गया है। तो अगर ये कल कहते हैं कि हम जा रहे हैं और ये अगर 3 कदम अंदर आए हैं और केवल 1 कदम पीछे जाते हैं, तो हमें पता लग जाएगा ना कि कहाँ से आए थे और कहाँ गए हैं, और उसको हम छुपा भी नहीं पाएंगे। आजकल तो आपको मालूम चल जाएगा, आपके पास सैटेलाइट इमेजरी की कैपेबिलिटीज है, वो छुप नहीं सकती। अगर हम छुपाने की भी कोशिश करेंगे तो वर्ल्ड मीडिया तो निकाल देगा ना उसको, और आप और इट इज कमर्शियली अवेलेबल, दिस फोटो सैटेलाइट पिक्चर्स आर कमर्शियली अवेलेबल, तो हर एक व्यक्ति देखेगा कि अरे इंडिया तो घबरा गया, वो तो यहाँ से आया था और केवल इतना ही वापस गया, लेकिन इंडिया इसी में मान गई, जैसे शायद पहले सलामी कट करता रहा है वो। तो अब ये नहीं हो पाएगा, ये अब उसको जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो पोलिटिकल लीडरशिप विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन इंडिया एंड वी हैव टू पुश देम बैक। और पुश बैक का नतीजा आपको मालूम है, उसमें उनकी भी बहुत कॉस्ट बढ़ेंगी, हमारी भी कॉस्ट। ये केवल मिलिट्री कॉस्ट नहीं बढ़ेगी भैया, ये कॉस्ट बढ़ेगी हर एक लेवल पे, एक इंटरनेशनल फोरम में कॉस्ट बढ़ेगी, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ताइवान में क्या हुआ, हांगकांग में क्या हुआ, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, उसकी ट्रेड का क्या हो रहा है, ये सब चीजें तो आ जाएंगी ना। मैं तो खैर आपने डिटेल में बात करी रखी है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? Does China want to lose its options which is created to be the number one world power? तो खत्म हो जाएगी ना। तो सर आपकी बात अगर मैं समझूं, या चीन उस तरह से सोचे, तब तो सबसे सेंसिबल और समझदारी का विकल्प उसके पास यही है
कि ठीक है उसने अटेम्प्ट किया कि भारत अपना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए, हमें मैच करने की स्थिति में आज या आज के 10 साल बाद नहीं आ पाए, उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन इंडिया का रिजॉल्व काफी स्ट्रांग है, समझदारी इसमें है, पीछे अपने वापस स्टेटस को एंटी पे चले जाए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ सर कि चीन जितना एक बात दूंगा अगर आपको दुश्मन को वापस भेजना है ना तो उसको एक ऑनरेबल एस्केप रूट दिखा दीजिए। अगर उसको ऑनरेबल एस्केप रूट दिखाएंगे, अगर डिसऑनरेबल जाना पड़ेगा तो शायद कष्ट होगा उसको। तो अब जब भी आपका दुश्मन ऐसे फंस जाए कि वो बिल्कुल विड्रॉ कर ही ना पाए, शो हिम अ वे कि ऑनरेबली ये रस्ते तो यही है कि बात को थोड़ा प्रोट्रैक्टेड होने दो, बात को होने दो, डिप्लोमेसी में कुछ चलने दो, कुछ इधर उधर से बातें करो, कुछ वहां कंसेशन कर दो, कुछ यहाँ कर दो, और आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप निकल जाओ। अभी तो रास्ता दिखाने की जिम्मेवारी हमारी है, डिप्लोमेटिकली वी शुड शो हिम दैट वे कि भैया यहाँ से तो तुम जाओगे तो तुम्हारी तो हो जाएगी बेइज्जती, तो यहां से निकल जाओ ना, इसमें निकल जाओ ना, तो फिर वो देखेगा और वो भी सोचेगा यार कैन आई गेट एन ऑनरेबल डिसएंगेजमेंट। बट सर अभी तो थोड़ा अगर चलती हुई भाषा का प्रयोग करूं तो अभी तो पेच इसलिए फंस गया है कि दोनों ने सार्वजनिक रूप पे पब्लिकली, भारत के एमईए ने भी, उन्होंने भी कह दिया है गलवान वैली हमारी। तो पेच तो बड़ा पचीदा लग ही गया है, अब इसको डिसएंगल, वही तो कहा, डिसएंगल करने के दो ही तरीके हैं, या तो लड़ लीजिए या इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलिए, खुल जाए तो बेहतर है, नहीं खुलेगा तो चलिए आपका सर, आपने हमारा जो होगा तो होगा, उनका भी तो चाइना, जो हम तो डूबेंगे सर, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और हम तो डूबे वैसे ही पड़े, हम तो इतने बड़े भारी वर्ल्ड की पावर है पावर नहीं, हमारी मिलिट्री गलतफहमी भी पाल रखी सर, अब ये भी नहीं कहते कि आपने समझदारी के विकल्प तो सारे बता दिए। अब आप मुश्किल है कि चीनी धूर्तता का हैट पहने, चीनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हैट पहने, चीन क्या, आपकी गट इंस्टिंक्ट क्या कह रही है कि चीन क्या करेगा? देखिए चीन, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है, पिछले 50 साल से हम चीन को देख रहे हैं, चाइना मैन थिंक्स वेल अहेड, वो आज से 30 साल 40 साल आगे की सोचता है, और वो इतनी आगे की सोच कर करके आज यहां तक पहुंच गया है। चाइना हमारे मुकाबले में और वर्ल्ड के मुकाबले बिल्कुल थर्ड रेट कंट्री थी, लेकिन पिछले 30-35 साल में वो कहां से कहां पहुंच गया। तो चाइना थिंक्स फार अहेड, तो अगर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो पोजीशन हासिल करना था उसी ट्रैक पे चलना चाहता है तो उसको अकलमंदी का काम करना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि जी मैंने पूरा कर लिया जो मुझे करना था, अब मुझे वर्ल्ड पावर इसी तरीके से बनना है कि मैं भारत को डुबो दूं। भारत को तुम कैसे डुबो दोगे यार, तुम लड़ लोगे थोड़ा ठीक है, क्या तुम न्यूक्लियर करोगे? ये भी तो बात आ जाती है, हमें दिया न्यूक्लियर नेशन, हम न्यूक्लियर से भारत को ठंडा कर देंगे, तो न्यूक्लियर करके क्या करोगे? इस न्यूक्लियर वेपन अ वेपन ऑफ वॉर? इट्स ओनली अ वेपन ऑफ डेटरेंस। सो इफ चाइना और एनी ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी पार थिंक दैट दे कैन यूज न्यूक्लियर वेपन, जी उनके पास 360 बम है, हमारे पास 150 ही है, 150 इररेलेवेंट इश्यूज, कोई सोचे इसको ध्यान से, इररेलेवेंट, 150 का क्या करना है भाई, 3 बम बहुत है। तो मैं तो यही कहूंगा एज अ मिलिट्री मैन कि हमारी तरफ से, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वी शुड नॉट लूज आवर इनिशिएटिव, हमें इनिशिएटिव अपने पास रखना है, हमें एग्रेसिव होना है। लास्ट में मैं कहूंगा इसको समाप्त करने के लिए कि ये प्रोटोकॉल जो बन गया है ना पिछले कई सालों से, कि जी 45 ईयर से हमने कोई गोली नहीं चलाई है यहाँ पे, ये बंद हो जाना चाहिए। इंडिया हैज टू चेंज इट्स प्रोटोकॉल, चेंज इज SOP, बॉर्डर टॉक्स होती है, टॉक्स अवश्य हों, टॉक्स होनी भी चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन फर्क है, अभी तक डिलीनेट बॉर्डर नहीं हुआ, तो बातें तो होनी पड़ेंगी, लेकिन बातों का तरीका जरा बदली करना पड़ेगा। पहली बात, जिस जगह का विवाद है, जैसे गलवान में PP-14 का जो विवाद चल रहा है, वहां मीटिंग नहीं होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए उसे थोड़ा हट की जगह पे, और अगर मीटिंग बटालियन कमांडर लेवल पर है तो एक बटालियन कमांडर हमारा जाएगा, एक बटालियन कमांडर उनका आएगा, नियुक्त जगह पे दो दो तीन तीन आदमी लेके एक तंबू के नीचे बैठ के बात करेंगे।
अगर ये ब्रिगेड कमांडर की है तो हट के फिर और ब्रिगेड कमांडर की बात होगी, ब्रिगेड कमांडर जाएगा, दो उसके साथ और जाएंगे, उनका आएगा, एक तंबू लगे, इसी तरह से लेवल बात होती रहेगी। तो अगर ये बात आप इसी तरीके से करते रहेंगे जहां मुठभेड़ हो रही है, तो इसका जवाब एक ही है, और जो मैं एसओपी में बड़ी बदली रेकमेंड करता हूं आर्मी को भी और सरकार को भी, कि अब से हमें ये पोजीशन अख्तियार करनी चाहिए कि जी हमारी परसेप्शन नाइज ये है, आप इससे पार आ गए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके पीछे चले जाइए लाउड स्पीकर के ऊपर। बंकर बने हुए हमारे भी, हमारी भी डिफेंसेस है, नहीं है तो बना लीजिए, वहां से लाउड स्पीकर पे कहिए कि भाई साहब आप अंदर आ गए हैं, बड़े प्रेम से कहिए और आप वापस चले जाइए, नहीं जाते वो तो, और दो कदम आगे आ रहे हैं तो उनसे को देखिए हम एक आपको लास्ट टाइम कह रहे हैं, एक वार्निंग शॉट फायर कर रहे हैं, आप वापस चले जाइए, फिर भी नहीं गए जी, फिर आ रहे हैं आगे, आप पूरा फायर पावर खोल दीजिए अपनी राइफल LMGs MMGs और ठोक दीजिए जो सामने खड़ा है, ये डंडेबाजी नहीं चलेगी भाई। अब हमारे मैं भी आर्मी में ट्रेनिंग करके अफसर बना हूं ना, मेरे को तो कभी किसी ने ये ट्रेनिंग दी कि डंडे से कैसे लड़ना है भाई, ना मुझे NDA में किसी ने ये ट्रेनिंग दी, ना IMA में दी, और ना पूरी फौज की ट्रेनिंग है मुझे किसी ने सिखाया कि डंडे से भी लड़ सकते हैं यार, डंडे से लड़ते हैं पुलिस वाले, उनको डंडा की सिखलाई होती होगी, हमें तो डंडे की सिखलाई नहीं होती ना, हमें तो पत्थर से कैसे लड़ना सिखलाई नहीं होती ना, हमारी सिखलाई क्या है आपने बहुत दफा सुना होगा, 1 bullet 1 man, हमारी सब रेंजेस पे लिखा होता है 1 bullet 1 man, तो उसको ये समझना चाहिए कि भाई हमारी हमारी सिखलाई ये है कि we will fire one round and kill one man। तो अगर आप हमारी वार्निंग शॉट के पास नहीं जा रहे और आप फिर अंदर आ रहे हैं तो हम तो फायर फॉर we will fire for effect। तो ये प्रोटोकॉल बदली होना चाहिए, ये डंडाबाजी नहीं चलेगी भाई, और हम गुत्थम गुत्था भी नहीं करना चाहते, हम बॉक्सिंग भी नहीं करना चाहते, तो दिस प्रोटोकॉल हैज टू अर्जेंटली चेंज। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपकी बातें बिल्कुल की मैसेजिंग स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए भारत की तरफ से, स्पष्ट रहनी चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए, रिजॉल्व जो दिखाया गया है प्राइम मिनिस्टर की अपनी ब्रीफ संबोधन में, जो उन्होंने रिजॉल्व दिखाया है कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटीग्रिटी सॉवरेंटी टेरिटरी, उस पर कायम रहना चाहिए। अब तो MEA भी खुल के कह रही है कि उन्होंने वायलेट किया है, तो हमें उन सब पे कायम रहना चाहिए। और एक जो बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि ये डंडेबाजी नहीं चलेगी, अगर लड़ना ही है तो सेना की तरह से बंदूक और तोपों से लड़ाई हो जाए, तो कुल मिला के बिल्कुल। और आपने चाइना को एक ऑनरेबल एग्जिट का भी रास्ता बताया, सो लेट्स जस्ट होप एंड प्रे दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स, बट बी प्रिपेयर्ड, यू आर द आर्मी मैन, बी प्रिपेयर्ड टू हैव अ फाइट ऑन आवर हैंड्स, have a whatever level of engagement. Yeah, that's all right. We'll pay the price, but we'll extract the price also. Thank you very much, sir, for your time. Have a good day, sir. Thank you.